वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगला क्वेश्चन हमारा सीजीएल में भी इस साल आया है 23 में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स इक्वल टू फाइव है, हमें निकालना क्या है टेन एक्स का मान। तो कैसे इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो हमें एक फॉर्मूला पता है जिसे बोलते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं sec x प्लस टेन एक्स, और ये लिख सकते हैं sec x माइनस टेन एक्स, ठीक है, इक्वल टू वन। तो sec x प्लस टेन एक्स कितना है हमारा 5, तो इसे हम लोग 5 बिठा सकते हैं, और ये हमारा हो गया sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू 5। तो ये 5 नीचे आ जाएगा, ये गुना में इधर आएगा डिवाइड में, तो लिख सकते हैं sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1/5। और हमारे पास ये हमारा दिया हुआ क्या इक्वेशन sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू 5। देखिए अगर हमें इन दोनों का इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो ये प्लस टेन एक्स है, ये माइनस टेन एक्स, आपस में कट जाएगा तो निकल जाएगा sec x, लेकिन हमें निकालना है कि है टेन एक्स, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे। घटाएंगे कैसे ये आप देख लो, जिनको पता है वो तो पता है, जो नए हैं उनके लिए ऐसे लिख दिए इक्वेशन 1, ठीक है, घटाना है यहाँ लिख दें, फिर इक्वेशन 2 को इसके नीचे ही लिख दे जस्ट। अब जब भी घटाते हैं ना तो ये नीचे वाले का साइन बदल जाता है, ये प्लस sec x था माइनस हो गया, ये माइनस टेन एक्स था ये प्लस हो गया, तो प्लस sec x माइनस टेन एक्स कट गया, टेन एक्स प्लस टेन एक्स कितना हो गया 2 टेन एक्स, ये हो जाएगा 5 प्लस 1/5, तो यह आ जाएगा 26/5, तो 2 टेन एक्स, तो 2 से कट गया ये 13 बार में, तो टेन एक्स कितना हो गया हमारा 13/5। तो ये हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे और भी कोई सवाल आपको नहीं आते तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली उसका हम सॉल्यूशन देंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स।